एक्सप्रेस की खबर का असर। आपको बता दें कि बीती रात को कानवन के शासकीय छात्रावास में फूड पॉइजनिंग से 32 बच्चों की तबीयत बिगड़ी थी। पानी की टंकी में कुछ केमिकल मिलाए जाने की आशंका जताई थी, जिसको हमने ग्राउंड रिपोर्ट के साथ सबसे पहले सिर्फ समाचार एक्सप्रेस न्यूज चैनल में प्रमुखता से दिखाया था, जिससे धार कलेक्टर श्रीकांत बनोट और SP आदित्य प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे थे और मामले को गंभीरता से लिया और जांच के आदेश दिए। इसके परिणाम स्वरूप धार सहायक आयुक्त ब्रजेश पांडे ने गंभीरता दिखाते हुए आज सुबह ही हॉस्टल अधीक्षक जगदीश बोरियाला और पानी वाहक कैलाश प्रजापति को तत्काल निलंबित कर दिया गया। बाल्टी में रखा है पानी का भी सैंपल हम वो करा रहे हैं ऊपर की अच्छा ये टंकी ऊपर की ऊपर से वहीं से वहाँ से पानी पानी खाने JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन वर्ल्ड क्लास केटरिंग सेंट्रली एयर कंडीशन लश ग्रीन लॉन्स स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग लॉन्चिंग एंड पार्टीज राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।